मैन है, ये दो फीमेल इधर आगे बैठी है, और ये वाले दो नर है। ये वाला मोल्डेशन कर रहा है, मोल्डेशन कर रहा है, मोल्ड तो दोस्तों जो मेरे यानी पुराने देखने वाले होंगे ना उनको याद होगा कि मैंने पहले भी रखी थी लेकिन फिर मैंने हटा दी थी। तो दोस्तों अभी ना मौसम जरा गर्मियों का हो गया, उनका उनके सर्दियों का जरा मसला होता है, इनकी तबीयत खराब होती है। अभी ना दोस्तों मैं सोचा कि इधर नीचे वाले में रख देते हैं इनको गोल्डियन को, क्योंकि अब हमारे पास तो वो भी फिलते हैं, उसमें भी मसाला दो बच्चे निकाल लें और अब मेरे ख्याल में अंडे दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको भी हमारी जितनी भी डब है ना, तीन ही डब है इसमें, तो हम इसको इधर मूव कर देंगे और इन दोनों फिटों को भी इधर डायमंड के साथ मूव कर देंगे और हम इन दोनों में ये वाले दोनों पेयर को छोड़ देंगे। दोस्तों इसमें ना यानी ये थोड़े बहुत होते बीमार से, ये वाले भी काफी अच्छे से चार पांच दिन बीमार से काफी अच्छे से नहीं, और भी बाकी कुछ तो माशाल्लाह से दोस्तों मैंने इनको मेडिसिन दी है, तो मेडिसिन दी है तो सारी ठीक हो गया। मैं पता ही क्या मेडिसिन बोला था, तो माशाल्लाह से सारी ठीक हो गया। अभी मैं सोचता हूँ कि इनको एक दो दिन तक देता हूँ मेडिसिन ताकि ये लोग ज़रा ठीक हो जाए। बाकी पता नहीं क्या छोड़ दिए अंडे, हमारी पता नहीं कोई दुश्मन ही निकाल रहे हैं हमारी, पता नहीं क्या अंडे देखे ये लोग नहीं दे रहे हैं। और दोनों दोस्तों ये वाले जो दोनों थे ना, ये सबसे पहले यानी वो जो मोर टाइप के अपनी दो उठाते हैं ना डांस कर रहे होते हैं, ये लोग वैसे हो गए थे। और जब हमने जो आपको दूसरा वाला अब दिखाता हूँ, इन दोनों ने ना यानी फौरन से अपने मोर बन गए थे और डांस करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसने डांस भी नहीं करना शुरू किया था, इसने सबसे पहले अंडे दिए, इसके बराबर वाले ने डांस किया था सबसे पहले माशाल्लाह से, इसने अंडे दे दिए। अभी इसने मेरे ख्याल में एक ही अंडा दिया है माशाल्लाह से, मैंने देखा था अंडे दाने के लिए आया था, ये वाले ने अंडा दिया। ओ भाई देखिए उस्मान पता नहीं क्या कर रहा है। दोस्तों हम लोगों ने जो दाना होता है ना उसको हम लोग ऐसे छान लेते हैं, सारा साफ कंगनी टाइप की आ जाती है, देखें तकरीबन कंगनी होती है पूरी ये पूरी। तो दोस्तों मैं ना अपना लालू के लिए था, तो उधर रास्ते में बकरियाँ उतरे हुए काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, ये तो खैर पूरे साल ही होते हैं, क्योंकि उसमें ना जानवर भी वो काफ़ी है, आगे आप लोगों को दिखेगा काफ़ी हैवी जानवर था वो वाला शायद आ गया। और ये बाकी जो इंसान में सच्चे वगैरह जो होते हैं ये पूरे साल होते हैं। दोस्तों ये वाला जानवर था माशाल्लाह से, आप लोग जानवर दिखाया देखें कितना बड़ा है, देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़ा जानवर है। और बाकी ये सारे बकरे वगैरह ये देखे दोस्तों, अभी आपने देखा मोबाइल खड़ी हुई है, और अभी देखे मैंने ये लालू खेत वाले ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ जहाँ पे सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं लालू खेत के लिए, तो अभी मैं वहीं से गुजर रहा हूँ। और अभी देखें राइट साइड पे बिल्कुल भी रश नहीं है, सिर्फ रिक्शा वगैरह कुछ लोग हैं। तो दोस्तों पुलिस वाले ना के सबको हटा रहे थे क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह बना हुआ था। तो दोस्तों है ना तीन चार हफ्तों से अभी आपने देखा, देखें ट्रक व्रक बीच में और मोबाइलें तीन चार और भी खड़ी हुई थी, दोस्तों पुलिस वाले आके सबको हटा रहे थे यार। तो लेकिन ना क्योंकि जो जो बर्ड्स का कारोबार वगैरह कर रहे हैं और जो बर्ड लवर हैं जिनको बर्ड्स वगैरह चाहिए, दोस्तों वो लोग अपना सामान कैसे बेचेंगे बस आप लोग मुझे ये बताएं कि जिनका रोज़गार ही इनका तोतों पे डिपेंड करता है वो लोग क्या करेंगे। तो ऐसा तो कोई हल नहीं है कि बस एक जगह के लिए अगर कोई जगह नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाए, ऐसा कोई हल नहीं है। इन लोगों को कोई इतना यानी मार्केट लगाने के लिए कोई ना कोई अल्टरनेट जगह देनी चाहिए दोस्तों, कैसे तो कोई हल नहीं है ना कि एक जगह को बंद कर दो तो ये हल है उसका, ऐसा तो हल नहीं है ना। अब जिसका पूरा रोज़गार ही उस पर डिपेंड है, इसने अपनी सारी मेहनत मशक्कत करके सारे पैसे अपने बर्ड मार्केट पर लगा दिए, तो उसका तो पूरा लॉस हो रहा है ना, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है बेचारे को। तो इसको इसमें ना इन लोगों को कोई हल निकालना चाहिए क्योंकि ये ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो लाजमी मेरे ख्याल में अब हल निकालेंगे ये लोग क्योंकि और कुछ है नहीं। और लोग आए हुए थे अभी भी मार्केट में, काफ़ी रश था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं था, आए हुए थे, लेकिन ये लोग लोगों को ना वापसी यानी भिजा रहे थे कि अब मार्केट में आप लोग ना रोकें। तो दोस्तों ये ना वो मेन साइड है यानी जहाँ पे मैं आता हूँ बर्ड्स वगैरह लेने, और इसके आगे सारी मछलियों की दुकान है। तो दोस्तों इधर से भी लोगों को हटाया हुआ था जहाँ से मैंने अभी गोल्डियाँ ली थी, एक बंदे के पास थी यहाँ पर, तो मैंने उसी से ली थी, वो भी जा ही रहा होगा तो उसने हमें ज़रा अच्छे रेट लगा दिए, मेरा इरादा नहीं था लेकिन मैंने ले लिया। और फिर मैंने एक और आगे भी पेड़ लिया था गोल्डियान का। तो दोस्तों यही थी बस आज की वीडियो, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ लालू खेत के इतने ख़राब हालात हैं और सबको हटा देते हैं तो कोई ना कोई जगह मिलनी चाहिए इन लोगों को भी। इसमें से कंगनी आ जाती है और ये सारा गंदा दाना है,
कर देते हैं और सबसे पहले हम इसको एनकेज में हाइड कर देते हैं और इस मैट को भी हाइड कर देते हैं। दोस्तों मैंने ना अभी सारी की सारी गुड़लियाँ इधर ही छोड़ दी हैं, ये सारी कॉमन है। मेरे ख्याल मैंने बता भी दिया था एक बार पहले भी, तो अभी इसमें सारी की सारी कॉमन है। ये वाली मोल्ड हो रही है, बाकी ये वाली दो मादी है जो ऊपर स्टेज पे दोनों साथ बैठी हुई है ना, ये वाली दोनों, और वो नर है और ये भी नर है। अभी मैंने इनको साथ ही छोड़ दिया, फिर बाद में जब यानी थोड़ा सा सेट हो जाएंगे, खावा लेंगे ना, उसके बाद में इनको अलग अलग शिफ्ट कर दूँगा। क्योंकि दोस्तों अभी ना इनको कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा रेडी होने में। अभी ये थोड़ी सी छोटी है, फिर 1.5 महीने बाद हम इन लोगों को केजेस में लगा देंगे। दोस्तों अभी ना मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन ना मुझे मैं गया था लालू के, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, तो मुझे एक पेयर मिल रहा था गोल्डियन का। आप लोगों को अभी कलर भी दिखाते हैं, उसका काफी अच्छा कलर है, मुझे इसका कलर अच्छा लगा, जरा डाइल्यूट है देखें, चलो मुझे कलर ज़रा अच्छा लगा। और बाकी है ये कॉमन, लेकिन इसका कलर ज़रा मुझे अच्छा लगा। मादी तो मेरे ख्याल में वैसी है, लेकिन नर का मुझे बहुत प्यारा कलर लगा मुझे माशाल्लाह से। तो दोस्तों मैंने ना फिर मेरा इरादा नहीं था, वैसे तो मेरे पास थी, तो फिर मैंने ये वाला भी एक पेड़ ले लिया और हम उसको इसके साथ ही छोड़ेंगे। ये भी दोस्तों इनकी उम्र का प्यार है। दोस्तों मैंने ना ये वाला पूरा हो गया, पूरा पिंजर साफ वाफ करके कूपर्स वगैरह में मैंने इसमें डाले, तो फिर मैंने इसमें लाके ये छोड़िए गोल्डियन। दोस्तों आज का सरप्राइज हमारा यही था कि मैं लाया था गोल्डियन, मैंने बताया नहीं था मैं गोल्डियन लाया हूँ, तो मैं गोल्डियन लाया। और देखे मैंने इन दोनों के पिंजर साफ कर दिए हैं दोस्तों, और मैं टोटल 3 पेयर लाया हूँ, 2 पेयर ये और 1 पेयर यहाँ पे है, ये मोल्डिंग कर रहा है, और इसके साथ एक मादी भी है वाली हमने छोड़ी हुई। तो दोस्तों अब मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूँ, अगर आप लोगों को भी लानी है तो। किसी भी चीज़ की ये ट्रिक होती है दोस्तों कि आप ना जैसे फौरन से उसमें मटके वगैरह नहीं लगाएं, उसको 6 से 10 दिन तक के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें आप लोग, उसमें मटके वगैरह कुछ भी लगाए तो वो दाना भी सही से खा लेगी, और ना वो पूरी ना जाके सेट हो जाएगी, तो बस मटकी में ही बैठी रहेगी पूरे वक्त, उसमें मटकी भी ना। अभी मैंने नहीं लगाई मटकी, मैंने अभी सेट कर दी है, इसमें कूपेक्स वगैरह मैंने अंदर डाला है, भी दिख नहीं रहा होगा। दोस्तों ये ट्रिक होती है कि अपना फौरन से लाके किसी भी चीज में मटकी वगैरह नहीं लगानी है, पहले उसको 6 से 10 दिन उसको छोड़ना है, उसके बाद उसमें मटकी या अगर डब ला रहे हैं तो फॉली वगैरह, ताकि वो यानी उसका पेयर भी बन जाए तब तक, और तब तक वो जरा सही से खाना वाना खा ले, वरना वो ना मटकी में बैठ के सुखड़ता रहता है। ये हमारे लिए है ना, ये भी सुखड़ रहते हैं, इसकी वजह से ये सुखड़ सुखड़ के बीमार हो गए। फिर हमने इसकी मटकी हटाई थी बहुत टाइम के लिए, नहीं कोई 1 से 2 महीने के लिए हमने इसकी मटकी हटा दी थी, इतने अच्छा खासा खाना वाना खा लिए, और मैं भुट्टे भी लाया था, भुट्टे भी सबको डाल दिए, सबने खावा लिए भुट्टे वगैरह, लूसन में पहले लाया था। मेरी यानी कोशिश यही होती है कि मैं पट्टे लूँ किसी भी चीज़ के, अभी देखें मेरे घर के पट्टे हो गए, इनमें देखें मुझे पता है फिर मेरी बीमारी नहीं है, वो अलग बात है, इनको जरा बीमार हो करके लग गई थी, वरना जब ये मेरे पास ही थे तो मुझे पता था कि इनमें कोई भी बीमारी नहीं है, और अब माशाल्लाह से ये भी रिकवर हो चुका है। दोस्तों जो मैंने गोल्डियन ली थी ना, ये भी मैंने अभी पट्टे लिए, ये भी इंशाल्लाह ना ये बस तैयार होने वाला है, ये भी मैंने अभी पट्टे लिए, इन्हें फर्स्ट ब्रीड करेंगे ये भी, तो दोस्तों इसका रिजल्ट अच्छा आता है। जैसा मेरी डब की एग्जाम्पल ले, ये भी मैंने पट्टे ही ली थी डब, और माशाल्लाह से देखिए मैंने एक तो पट्टे ली थी, इसका कलर ऐसा था जैसे ये वाली डब का है ना ग्रे, ये मेल है जो सबसे आगे बैठा है ना सामने, तो देखे दोस्तों माशाल्लाह से कितना व्हाइट हो गया है मेल, और अभी देखे दोस्तों आप रिजल्ट देख सकते हैं, अभी इसके 2 बच्चे माशाल्लाह से निकले हुए, इसमें और भी मेरे ख्याल में 2-3 बार 2-2 बच्चे निकाले थे माशाल्लाह से। दोस्तों कोशिश किया करें कि आप पट्टे लिए ना, तो आपको पता होगा कि वो यानी पहली ब्रीड कर रहे हैं और वो बीमार नहीं होंगे, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि अपना और अच्छी सी ब्रीड निकालेंगे, वो आप मेरी डब देख सकते हैं, और बाकी माशाल्लाह से इस वाली डब ने भी अंडे दे दिए हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लोग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, और हमारे चैनल हमदर्द फार्म को लाइक